ओम शांति। हमें अपने जीवन को निर्विघ्न जीना है। निर्विघ्न जीवन के लिए हमें चाहिए स्वयं को सरलता से भरपूर करें, अपने सभी विकारों का, सूक्ष्म ईर्ष्या द्वेष का, परचिंतन का, वैर भाव का संपूर्ण त्याग कर दें, क्योंकि ये चीजें हमें निगेटिव बनाकर हमारी शक्तियों को निर्बल कर देती हैं। और निर्विघ्न जीवन वही जी सकते हैं या विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जो सर्व शक्तियों से संपन्न हो। जो आत्मा लंबा काल निर्विघ्न जीवन जिएगी वही दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बन जाएगी। तो हमें स्वयं को भी लंबा काल विघ्नों से मुक्त रखना है और अब भी और भविष्य में भी विघ्नों को नष्ट करने का अभ्यास करना है। एक दिन आएगा हमें सारे संसार के विघ्नों को समाप्त करना होगा। हम विश्व के लिए ही विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो ये कला डेवलप करेंगे कि हमें निर्विघ्न जीवन जीना है, सहज भाव से जीवन जीना है, हर छोटी बात को विघ्न मान लेना यही सबसे बड़ी कमजोरी है। बहुत हल्के रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ बातें आती हैं उनकी केयर न करें, वो आएंगी और चली जाएंगी, हम उनसे कम्युनिकेट ही न करें, रिएक्ट ही न करें तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत ऊंचा स्वमान। और जीवन में बड़ी बातें भी आ जाएं, कोई आपकी इंसल्ट करता हो, कोई आपसे रोज रोज बुरा व्यवहार करता हो, आपकी भावनाओं को हर्ट करता हो तो आप परेशान ना हो, अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें और ये याद करते रहें, हमें तो स्वयं भगवान सम्मान दे रहा है, हम मनुष्यों से मान लेकर क्या करेंगे। कभी कभी लगातार मनुष्य के जीवन में विघ्नों के बादल उमड़ते ही रहते हैं। एक विघ्न है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। मनुष्य अपने को चारों ओर से घिरा हुआ पाता है, या एक जाता है हमारी खुशी छीन कर जाता है, दूसरा तैयार रहता है हमारी शक्तियों को नष्ट कर देता है, तीसरा भी आता है हमें निराशा और उदासी के अंधकार में धकेल देता है और मनुष्य सोचता है कि क्या करूं। तो बाबा का एक महावाक्य भूलना नहीं है कि जब बच्चों के ऊपर विघ्न आते हैं तो बच्चे सोच सोच कर इतना उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें कौन साथ दे रहा है। आपका योग न भी लगता हो तो इस स्मृति को पक्का कर दें, स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है, उसकी छत्र छाया के नीचे हम पल रहे हैं, उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर है, वो जैसे कि हमारा बॉडीगार्ड है, वो हमारे विघ्नों को स्वतः भी नष्ट करता है और हमें भी शक्ति देता है विघ्न विनाशक बनने की। तो अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाएं, जो बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे वही विश्व के लिए वरदान होंगे, क्योंकि संसार में विघ्नों के तूफान आने वाले हैं। विनाश कोई छोटी चीज नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, न मेरे रहेंगे न मेरा रहेगा और हमें देखना पड़ेगा, साथ साथ अपने पूर्व जन्मों के विकर्मों को भी समाप्त करना होगा, भोग भोग कर वो सामने आ जाएंगे, बड़े कष्टकारी होंगे, उन्हें भी हमें सहन करना ही पड़ेगा। तो रोज सवेरे बाबा से वरदान ले लें, मेरा जीवन निर्विघ्न है और मैं विघ्न विनाशक हूँ, और जिए भी इस तरह
सहज भाव से कि विघन विघन लगे ही नहीं। और याद रखें, जितने हम सरल होंगे विघन समस्याएं भी सरल होकर समाप्त हो जाएंगी। तो आज सारा दिन इस स्वमान का अभ्यास करें कि मैं विघ्न विनाशक हूँ और बाबा मेरे साथ है हजार भुजाओं के सहित। ओम शांति।